आपने पिछली बार कौन कौन से अक्षर सीखे थे? फिर चिल्ला, आराम से देखो। पहली बात सीखने वाली कि आप सिर्फ अपनी अपना हाथ उठा के बताएंगे और मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। जब हम कहेंगे आपको खड़े, आप बताइए, तब आप खड़े होंगे। बैठे बैठे हाथ ऊपर करिए, खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक को चांस मिलना चाहिए बोलने का, तो इसलिए आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? समझ आ गई बात? समझ आई या नहीं? सबको समझ आ गई? तो अब बीच में कोई नहीं चिल्लाएगा। हाँ बताओ। हाँ, ट से क्या होता है? अच्छा आप बताओ, ग से क्या? कबूतर। क और ट। अच्छा एक मिनट रुको, क और ट। अच्छा आप बताओ, उससे क्या बनता है? क्या उससे क्या होता है? कुछ होता है? त से तरबूज। और फिर अभी भूल गए, अभी हमने कहा था खड़े होने की जरूरत ही नहीं है, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। खड़े होने वाले को चांस नहीं मिलेगा, खड़े होने वाले को चांस नहीं मिलेगा। हम बताओ ना। आप बताओ ना से फा से। अच्छा बताओ पा से पतंग। अच्छा अब आप बताओ, हमने बोला था ना आंटी आंटी नहीं करेंगे। हाँ बैठ जाओ, आपसे नहीं पूछ रहे, उससे पूछ रहे हैं। हाँ बताओ बेटा, आप बता रहे थे ना कौन सा? हाँ नहीं ये बता रही थी ना, क्या उससे क्या बनता है शब्द? आप उसको बोलने दो बेटा, डमरू। शाबाश, हमने डर से डमरू नहीं, हमने नहीं सीखा। आप बताओ। नहीं वो भी हमने नहीं सीखा। वाह। और आप बताओ, आपने हाथ ऊपर किया था ना, बताओ वा से। अच्छा और दा से दवात। और आपका तो आप बैठ जाओ, आपका चांस नहीं है। शाबाश। अब आप बताओ, म और ढ से ढक्कन। शाबाश। और आप बताओ, ठ से ठठेरा। और माँ से हो गया माँ से। तो हमने इतने सारे अक्षर सीखे थे, ठीक है ना? अच्छा मुन्नी की मौसी आई है, किसने सीखा था? मेवा मिश्री लाई है, सीखा था? आपको याद है माँ वाली पोयम? सुन। अच्छा ग ग ग से ग से गमला। और क्या सीखा था? नहीं। अच्छा माँ से, माँ वाली पोयम सुनाइए फटाफट। मुन्नी की मौसी आई है, माखन मिश्री लाई है, महीना भर रहेंगी मौसी, मौजे नए बुनेंगी मौसी, मौसम्मी का जूस पिएंगी, मेहंदी से फिर हाथ रंगेंगी, मेहंदी बोलो, मेहंदी से फिर हाथ रंगेंगी,
माथे पे बिंदिया, मोटी सी, हाथ में मछली छोटी सी, आज बनेगा माछेर झोल, आज बनेगा माछेर झोल, साथ में पूरी गोल गोल। आप सुनाइए, माछेर झोल क्या होता है? मछली की सब्जी, मछली की जो तरकारी बनती है ना, उसको माछेर झोल बोलते हैं बंगाली में। जो प्रियंका आंटी है ना, ये खूब खाती है माछेर झोल। जब मछली की रसे वाली तरकारी बनती है, उसको चावल के भात के साथ खाते हैं, ठीक है। चलो फिर से बोलो। नहीं नहीं गीली गीली दाल जैसी। मुन्नी की मौसी आई है, माखन मिश्री, ठीक से बोलो, माखन मिश्री महीना, मौजे लाल बुनेंगी मौसी, मौसम्मी का मेहंदी से मछली, आज बनेगा साथ में पूरी। शाबाश। अच्छा अब ये तो हमने सीखा था म, ठीक है ना, ये तो था म, मछली मोटी मम्मी मौसी सब कुछ। अब अगर हम इसको यहाँ से इसकी छत को उड़ा दें, खुला कर दो, और यहाँ से इसको कर दो गोल, तो ये क्या बन गया? भा, भा, भा से भवन क्या होता है? बिल्डिंग नहीं, बहुत बड़ा घर उसको बोलते हैं हम भवन। तुमने कोई भवन देखा है? नहीं। राष्ट्रपति भवन देखा है? जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, कई बार टीवी में दिखाते हैं। राज्यपाल का भवन देखा है? जब आप हजरतगंज जाते हैं तो रास्ते में क्या आता है? राज्यपाल का भवन। क्या आता है? राज्यपाल का भवन। अच्छा ये क्या है? कौन कौन खाता है? सब खाते। शाबाश। अच्छा बताओ, भिंडी कौन से रंग की होती है और इसका फूल कौन से रंग का होता है? अरे वाह शाबाश। और भिंडी में कितने बीज होते हैं? बहुत सारे बीज होते हैं भिंडी में, बहुत सारे बीज होते हैं। और भिंडी का अगर पानी निकालो तो कैसा होता है? लेस वाला होता है ना। कई पहले कई लोग भिंडी का पानी मेहंदी में मिलाते थे ताकि उससे बहुत अच्छी मेहंदी वो लगाई जाए, टूटती नहीं है फिर मेहंदी, है ना। अच्छा ये क्या है? हाँ पालक है, पर हम पत्तों वाली उसको क्या बोलते हैं? भाजी। क्या बोलते हैं? जितने भी पत्ते वाली सब्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? भाजी। तो ये भाजी है, ठीक है। हाँ अच्छा ये क्या है? नहीं नहीं ये उड़ने वाली है, ये तो पता चलता है कि इसके पंख है। बार जो जो फूलों के ऊपर बैठता है, नहीं हाँ क्या है ये? भंवरा। क्या है ये? और भंवरे की आवाज कैसे आती है? हाँ ऐसे करता है, कैसे करता है? हाँ। और ये पता है तुम्हें, जब भंवरा कमल के फूल के ऊपर बैठता है, कमल का फूल जानते हो कहाँ उगता है? तालाब में, कीचड़ में। हाँ
अच्छा, कब खेलता है, रात को या सुबह? सुबह सुबह खेलता है। तो भंवरा जब उसके ऊपर बैठता है और वो भूल जाता है कि कमल का फूल शाम को क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कई बार भंवरा उसके अंदर बंद हो जाता है और फिर जब सुबह वो खिलता है तब उसमें से उड़ता है। वो कई बार वहीं बंद हो जाता है बेचारा, दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर वो निकल नहीं सकता। और क्या करता है भंवरा? नहीं, भ से भंवरा उसमें बैठ के क्या करता है? खाना पकाता है। क्या उसके वहाँ पे गैस है? क्या करता है भंवरा? रस चूसता है। जैसे मधुमक्खी क्या करती है? फूलों का रस चूसती है। हाँ, नहीं, वो कहाँ से इकट्ठा करती है? फूलों का जो रस होता है वो जब इकट्ठा करके एक जगह रखती जाती है तो वो शहद बन जाता है। पर भंवरा उसको इकट्ठा नहीं करता, खाया और छुट्टी, खा के पेट भर लेता है। पर मधुमक्खी बेचारी बहुत सीधी होती है, वो इतना सब रस ले जाके इकट्ठा करती, पता है किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और वो जो घर बनाती है ना, ऐसे वाला जो उसका छत्ता होता है, ऐसे ऐसे होता है, कभी देखा है उसका छत्ता पास से? ऐसे ऐसे होता है, अगर तुम उसको पास से देखो। और ये छत्ता बनता है मोम से। किससे बनता है आप बताओ? मोम कहाँ से आया? कहाँ से? नहीं नहीं, घर घर किससे बनाते? मोम से। तो मोम का घर कैसे, मोम कहाँ से आया? जो मक्खी का थूक होता है ना, वो उसमें से मोम निकलता है और उससे ये अपना छत्ता बनाती है, समझे? हाँ, क्योंकि वो उनको उनके पास और कुछ है ही नहीं घर बनाने के लिए, उससे ही वो घर बनाते हैं। और फिर इतने घर में इतने हजारों लाखों अंडे होते हैं, हजारों लाखों बच्चे एक साथ निकलते हैं, उन हजारों लाखों बच्चों के लिए उसको उनको खाना चाहिए। तो बेचारी रोज सारी मक्खियाँ शहद इकट्ठा कर करके वहाँ रखती हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं बच्चे शहद खा के, और फिर वो उड़ जाते हैं, फिर वो छत्ता खाली हो जाता है। फिर अगर आप उस छत्ते को तोड़ेंगे भी तो उसके अंदर से कुछ नहीं मिलता, शहद नहीं मिलता। अगर बच्चों के बड़ा होने से पहले छत्ता तोड़ा जाता है तो उसमें से क्या मिलता है? शहद, तब मिलता है शहद। हाँ, मक्खी बहुत काटती है। अगर आप किसी का कोई आपका घर तोड़ने आए तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा तोड़ो मेरा घर, मारेंगे डंडे से, तो फिर उसके पास तो डंडा नहीं है इसलिए वो काटती है, समझे? अच्छा, अब बताओ। अरे भूसे नहीं, भासे भुट्टा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कौन सा ऐसा जानवर है जो दूध देता है? और हाँ, बकरी भी देती है। पर अच्छा बताओ, गाय के दूध में और भैंस के दूध में क्या फर्क होता है? गाय का और भैंस के दूध की चाय नहीं बनती? हाँ, शाबाश, उसके लिए ताली बजाओ। भैंस के दूध में चिकनाई ज़्यादा होती है, वो आपको मोटा कर देता है, और गाय का दूध मोटा नहीं करता, उसमें कम चिकनाई होती है, उसमें घी कम होता है। भैंस के दूध में घी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? और भैंस कहाँ बैठती है? गंदगी में बैठती है, पानी में बैठती है ना, कभी कभी बैठ जाती। क्यों बैठती? गर्मी लगती है उसको, इसलिए वो पानी में बैठती है। हाँ, अच्छा आप बताओ, सब बच्चों को किससे डर लगता है? अच्छा, कभी किसी ने भूत देखा है? अच्छा हाँ, असली का भूत? हाँ, अच्छा, सब एक साथ नहीं बोलेंगे। अच्छा अभी देखो, आपका क्या नाम है? नीतू। अच्छा
नीतू को सुनिए, नीतू ने भूत देखा, बताओ नीतू। अंधेरे में नीतू ने भूत देखा था। आपने भूत देखा है? नानी को चक्की तक उठा के ले गया था भूत। तुम्हें कैसे पता? तुमने देखा था भूत को? अच्छा, और कैसा दिखता है भूत? सुंदर होता है। हाय हाय राम, काला काला होता है। कभी कोई अच्छा भूत नहीं होता क्या? सफेद साड़ी पहनती है और लड़की होती है भूत क्या? अच्छा अच्छा सुनो, उसको सुन। अब चुड़ैल क्या होती है और भूत क्या होता है? ऐसे बाल खड़े होते हैं। अच्छा, और भूत के और भूत कंघी करके आता है। भूत आदमी बन के आता है। तो तुम्हें कैसे पता चलता है ये आदमी है कि भूत है? उल्टे पैर वाला होता है। कहीं हम भूत तो नहीं है? अच्छा बताओ, हमारी आंखों से पता चलता है कि हम भूत हैं कि इंसान है? नहीं पता चलता ना। लो पैर देखो, तुम्हें क्या पता हम भूत हैं या नहीं है? अच्छा, जो मर जाते हैं वो भूत बनते हैं, जिंदा भूत नहीं होते। भाई वाह, तुम्हारी तो बहुत नॉलेज है, ज्ञान बहुत है तुम्हें भूतों के बारे में। हाँ अच्छा अच्छा, आप कभी कोई तैरने गया है नदी में? नदी में तैरने गए? कई बार नदी में ऐसा ऐसा एक चक्कर बनता है, क्या बोलते हैं उसको, और उसमें जो फंस जाता है वो डूब जाता है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे करके वो नीचे चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, नदी के बीच में कई बार ये बनती है, इसको क्या बोलते हैं? नहीं, फूलों के ऊपर क्या बैठता है? और ये क्या होती है? भंवर। क्या होती है ये? भंवर। ऐसे कई बार नदी के बीच में होती है ना, उसमें अगर फंस जाता है इंसान तो वो अंदर नीचे डूब जाता है, चाहे वो बहुत अच्छा भी तैरना जानता हो तो कई बार उसमें वो फंस जाता है, फिर निकल नहीं पाता है वो। कई बार मर जाता है, कई बार कोई कोई बचा लिया जाता है। अच्छा, हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हाँ, भौं भौं बोलता है। अच्छा, तुम लोगों ने कभी बड़ा इमाम बाड़ा देखा है? बड़ा इमाम बाड़ा गए हो? अच्छा बैठ जाओ। बड़ा इमाम बाड़ा देखा है? ऐसी चीज देखी है? ऐसा चीज? कैसी चीज? यस कैसे बोला? ये ऐसी कोई चीज देखिए जो रास्ता ढूंढ रहा हो कि यहाँ तक कैसे। हाँ, लड्डू खाने के लिए उसको यहाँ जाना है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम? भूल। शाबाश, इसके लिए ताली बजाओ। इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, और गप से लड्डू खा लो, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? भूल भूल भुलैया। अच्छा देखो, बच्चे कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं ना, एक तो बहुत प्यारे प्यारे भोले भाले होते हैं, भोले भाले। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छी पोएम है, भोले भाले बच्चे। और दूसरे तरह के बच्चे कैसे होते हैं? शैतान होते हैं। अच्छा, और भ से क्या होता है जंगल में जो आपको? भालू। क्या होता है? हाँ अच्छा,
कभी आपने सड़कों पे देखा है किसी को बैठे हुए ऐसे? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। वो कौन होता है? कौन होता है? भिखारी। अच्छा, कभी आपने किसी को उठा के देखा ये बोझ? एक, अच्छा ये देखो ये कैसा है, उठाओ इसको, कैसा है ये? और ये कैसा है? क्या है बोझ? एक हल्का होता है और एक गरु नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको? भारी। क्या बोलते हैं? भारी। और बताओ भर से सारे, देखो अच्छा, सारे मंत्रियों को बस एक ही शौक होता है, क्या देते हैं वो खड़े होके? भालू देते हैं। हाँ अच्छा, पैसा नहीं देते वो, अच्छा अच्छा नहीं, भ से भाभी, हाँ बिल्कुल ठीक है, भ से भाभी होती, पर मंत्री लोग क्या देते हैं? अच्छा बस, अच्छा आंटी, आंटी ने आंटी चावल, आंटी आटा ज्वार, आटा ज्वार चावल मन, अच्छा बैठो, हाँ बस है। नहीं बेटा देखो, मायावती आती है, मुलायम सिंह आते हैं, आते हैं सब खड़े होके क्या देते हैं? हाँ शाबाश, ताली बजाओ। मंत्री लोग क्या देते हैं? भाषण। और क्या होता है? अच्छा अब बताओ हम लोग सब क्या सीख रहे हैं? भाषण सीख रहे हैं। हम भाषण नहीं सीख रहे, हम क्या सीख रहे हैं? हाँ भजन, हम भजन कर रहे हैं क्या? नहीं, आप बताओ हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम रिकॉर्डिंग नहीं सीख रहे बेटा, हम कुछ और सीख रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, पर क्या पढ़ रहे हैं हम? हम क्या संस्कृत पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? और हिंदी क्या होती है? भाषा। क्या होती है हिंदी? भाषाएं तरह तरह की होती है, होती है ना, एक होती है इंग्लिश, आप सीखते हैं इंग्लिश, और एक होती है हिंदी, एक आप लोग जो घर में बोलते हैं, होती है भाषा भा से भाग। अब आप सब भाग जाओगे, ठीक है ना?